तक इसकी आई है और उसके बाद फुल स्पीड में जाके उनको चीमा साहब को लगी है। तो ये ब्लड है, ये ब्लड है और ये बॉटल वहाँ गिरी पड़ी थी। अच्छा, ये सब ये देखिए, ये सैनिटाइजर की प्लास्टिक की बॉटल है। लेकिन नहीं तो ये उनके ये उनके चेहरे पे दाएं तरफ जख्मी हुआ या बाएं तरफ? दाएं तरफ, इस जगह पे। अच्छा, इस जगह पे आके ऐसे नहीं, मैंने उन्हें टिश्यू पेपर दिया है। इस टिश्यू पेपर से उनका ब्लड साफ किया है, लेकिन उसके बाद रुक नहीं रहा था ब्लड। और ये सैनिटाइजर की बॉटल फुल स्पीड में मारी गई है, मेरे साथ से गुजरी है, मेरे कान से ऐसे शू करके गुजरी है। और किसने आप पीछे से राइट साइड से ऑपोजिशन चैम्बर से आई है? नहीं तो ये पता नहीं चल सका ये कहां से, ये किसने, ये मेरी जो सीट है वो गवर्नमेंट चैम्बर, गवर्नमेंट की तरफ लास्ट सीट है, उसके बाद राइट साइड पे ऑपोजिशन की सीटें शुरू हो जाती है। और मेरे राइट साइड से ये स्पीड से ऐसे गुजरी है, ऐसे मुझे लगा जैसे शू की आवाज आई है। राइट साइड पे ऑपोजिशन बेंच, ये ब्लड दिखाइए, ब्लड दिखाइए जरा, एक मिनट ब्लड दिखाइए। ये देख, ये ब्लड है। अच्छा, ये ब्लड अकरम चीमा साहब जिनको ये लगी थी, ये उनका ब्लड उनके चेहरे से। अकरम चीमा साहब को जिस जोर से लगी है, उनकी कोई हड्डी भी ना फ्रैक्चर हो गई हो आंख के नीचे वाली, और वहाँ पे गिल्टी सी बन गई थी वो। एमएनए साहब अब फौरन उनको शिफ्ट किया अस्पताल, उनको गिल्टी बन गई थी, वो हॉस्पिटल गए एक्सरे के लिए। यहाँ पे उनको फर्स्ट एड दी गई है, इंजेक्शन भी लगाया गया है, उनको मेडिसिन भी दी गई है। मलिक अहमद हुसैन डेढ़, एमएनए फ्रॉम मुल्तान।